ओह अच्छा अच्छा आंटी, मुझे अभी याद आया, मैं भी कितनी पागल हूँ। आज तो संगीता के यहाँ पढ़ने का दिन था, मेरे तो दिमाग से ही निकल गया था। साली पागल की बच्ची। अच्छा आंटी, कल प्रीति के यहाँ जाना था पढ़ने। वो क्या है ना, मेरी तबीयत खराब थी तो मैं कल भी नहीं जा पाई थी। तो क्या कल भी मुस्कान गई थी पढ़ने? हाँ कल भी गई थी, वह तो रोज जाती है। चलिए ठीक है आंटी, मैं संगीता के यहाँ जाके उससे मिल लेती हूँ। ओके। कुछ तो दाल में काला है, इसका पता तो मैं लगा के रहूंगी। अच्छा मुस्कान, आज एग्जाम है ना, तेरी तैयारी तो हो गई होगी अच्छे से, तू तो पढ़ी होगी कल पूरे दिन घर पे। हाँ यार, कल का दिन पता ही नहीं चला कैसे निकल गया, मैं तो पूरा दिन पढ़ती रही। अच्छा पर तूने फोन नहीं किया चैप्टर 12 पूछने के लिए? हाँ वो जब मैं पढ़ने बैठी तो मुझे आ गया था सारा, बस इसीलिए। अच्छा मुस्कान, परसों इंग्लिश का पेपर है तो आज आ जाऊँ मैं 4 बजे करीब तेरे यहाँ पढ़ने? अरे नहीं, 4 बजे नहीं, उस टाइम मैं सो रही होती हूँ, तू शाम 7 बजे के बाद आ जा। नहीं शाम को तो मैं नहीं आ सकती। चल कोई नहीं, इट्स ओके। वैसे तेरे भैया आने कहाँ देते हैं तुझे मेरे घर? हाँ ये भी बात है। चलो चलो बातें बंद, आज एग्जाम है। कोई भी बातें करता है मुंडी टेढ़ा करता पाया गया तो मैं उसकी मुंडी परमानेंट टेढ़ी कर दूंगा। आई बात समझ में? अब मैं व्हाइट बोर्ड पे क्वेश्चन लिखूंगा, सब शुरू हो जाओ। बहन इनमें से तो मुझे एक भी नहीं आता, दिखा दियो मुझे प्लीज। ऐ छिपकली सी शकल की, बोला ना मुंडी टेढ़ी नहीं। चलो अब लिखना शुरू करो। चलो चलो बहुत हो गया, 2 आंसर शीट मुझे। सर सर प्लीज, अभी नहीं, अभी तो मैं फर्स्ट क्वेश्चन पे हूँ। तू रात तक एक क्वेश्चन पे रहेगी तो मैं खड़ा रहूंगा क्या रात तक? चल इधर दे। सर मैंने कुछ लिखा ही नहीं, मुझे कुछ आता ही नहीं था। जब पेपर की तैयारी अभिषेक के साथ बाथरूम में हुई है तो कहाँ से कुछ आता होगा। चल मुस्कान चले घर। हाँ चल मैं भी निकलती हूँ, मुझे भी कुछ काम है। अरे रुक तो थोड़ा, अब तो तू बात भी नहीं करती मुझसे। ऐसा कुछ नहीं है, बस एग्जाम का प्रेशर है। अरे एग्जाम तो मेरा भी है, मुझे तो नहीं हो रही इतनी टेंशन। जो प्रॉब्लम मुझे है वो तेरे साथ नहीं है ना? कैसे प्रॉब्लम मुस्कान? बताया था ना फैमिली प्रॉब्लम के बारे में। देख मुस्कान, अगर तेरी कोई और बेस्ट फ्रेंड बन गई है तो तू सीधे सीधे बोल सकती है। ऐसा कुछ नहीं है, तू ही मेरी बेस्ट फ्रेंड थी और रहेगी। लेकिन तेरी टैक्सी आ गई। चल ठीक है, जैसी तेरी मर्जी, चलती हूँ मैं, बाय बाय। मेरा नाम भी पूजा है, असलियत का पता तो मैं लगा के रहूंगी। ये लीजिए भैया। आ गई मेरी बच्ची पेपर देकर। जी पापा, बहुत थक गई। थक गई? पेपर देने गई थी ना, पहाड़ तोड़ने गई थी? अब पापा आना जाना पढ़ना लिखना थकान तो हो ही जाती है। जे छोड़, पेपर बता कैसा हुआ? बस ठीक ठाक गया। ठीक ठाक इसका क्या मतलब हुआ? जे तू फेल हुई ना, पड़ोस वाले गुप्ता जी के बेटे से शादी कर दूंगा तेरी। अरे नहीं नहीं पापा, मैं पढ़ूंगी और अच्छे नंबर लाऊंगी। चलो शुक्र है आज भैया नहीं है, जल्दी से कपड़े बदल लेती हूँ। बेटा अमन। हाँ पापा। अरे भैया आप यहाँ बैठे हैं? हाँ तो। अरे वो तो शुक्र है पापा ने आवाज लगा ली, नहीं तो मैं कपड़े बदलने वाली थी। मैं काम में बिजी था, ध्यान नहीं दिया। अब निकलिए भी यहाँ से। पापा खाना लाइए ना जल्दी, बहुत भूख लगी है, मुझे खाना खा के पढ़ना भी है, परसों एग्जाम है इंग्लिश का। बेटा जी ऐसा है, अभी खाना बना नहीं है, जब खाना बन जाएगा मैं खुद लेकर आ जाऊंगा। हाँ पापा जल्दी खाना लगाइए, बहुत भूख लगी है। यार तुम दोनों तो चिपकी गए, बना रहा हूँ, सब्र रख लो, सांस तो लेने दो यार। पापा आ रहा हूँ मैं जरा गेड़ी वड़ी मार के। बज गए 4, हो गया टाइम जॉब पे जाने का। अरे पापा खाना बन गया क्या? कौन सा खाना, शाम के 4 बज रहे हैं, आप सीधा रात को ही खा लियो। क्या 4 बज रहे हैं?
ओह शिट। हाँ वो तो रोज ही बचते हैं, उसमें क्या है? अरे मुझे पढ़ाई का कुछ काम था, मुस्कान के घर जाना था। वो साला पूरा दिन हैरान रहान करता है, तू सारा दिन मुस्कान मुस्कान करती है। कोई आ रहा है कोई जा रहा है, बेंच और मैं जहाँ पे पागल बैठा हूँ क्या? पापा मैं जरा लेट हो रही हूँ, 4 बजे का टाइम दिया था मुस्कान को, मैं बस अभी आई। जो बेंचोर मुझे क्या है? आज दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगी मैं। अगर मुस्कान आज भी घर पर नहीं मिली तो जरूर वो मुझसे कुछ छुपा रही है। टैक्सी टैक्सी भैया यासनिया ले लो। ये लीजिए भैया। नमस्ते आंटी। नमस्ते नमस्ते, तू फिर आ गई। अरे आंटी वहाँ शीतल के घर पढ़ने जाना था मगर मैं थोड़ा लेट हो गई, तो मुझे लगा मुस्कान मेरा वेट ना कर रही हो इसलिए यहाँ आ गई। हुआ तो कोई वेट नहीं कर रही, उसे निकले तो आधा घंटा हो गया, वह 4 बजे ही निकल गई थी। ओह चलिए आंटी कोई बात नहीं, मैं सीधा शीतल के घर ही चली जाती हूँ। अजीब लड़की है, यहाँ करने की आई है सीधा शीतल के ही घर चली जाती बावलीगंज। तो मेरा शक सही निकला, मुस्कान मुझसे कुछ छुपा रही है, मैं भी देखती हूँ कब तक। यार आज उसे क्या हुआ, अभी तक नहीं आई? कहीं उसने किसी को बता तो नहीं दिया? उसे हमने धमकाया तो बहुत था, वो ऐसी करेगी तो नहीं। अरे आ गई आ गई, क्या बात है जाने मन, आज तक कयामत लग रही हो। मेरे पास फालतू टाइम नहीं है बकवासबाजी का, अपना काम करो और निकलो यहाँ से। अरे ये तो बहुत समझदार हो गई यार। मैंने कहा था ना एक बार उसे लत लग गई तो खुद आएगी। जी जी इन द चैट। भाई मेरी तो हालत टाइट हो गई। मेरी भी, कल आना मत भूलियो। चल अब अपन भी निकलते हैं। रुक जा यार अभी हिम्मत नहीं हो रही उठने की। साले तेरे 3-4 दिन में ये हाल है, शादी के बाद तो लगता है तू मुझे ही बुलाएगा, तेरे से ना हो पाएगा कुछ। तो क्या हुआ, तू भाई तो है किस काम आएगा, चला जा। मुस्कान देख बहुत हुआ, मुझे अब सब कुछ सच सच जानना है। अरे कैसा सच, किस बारे में बात कर रही है तू? उसी बारे में जिस बारे में तू मुझसे सब कुछ छुपा रही है। अरे पापा पागल है तू, रोज रोज वही बातें लेके बैठ जाती है, मैं क्यों छुपाऊंगी तुझसे कुछ? अच्छा तू मुझसे कुछ नहीं छुपा रही? नहीं बाबा। शायद तुझे आंटी ने बताया नहीं कि मैं 2 दिन से लगातार शाम में तेरे घर आ रही हूँ। व्हाट, क्या बकवास कर रही है, तूने मम्मी को बता दिया कि मैं तेरे घर नहीं जाती रोज? देख मैं समझ तो पहले दिन ही गई थी, कुछ तो दाल में काला है पर कंफर्म नहीं था, इसलिए मैं कल भी बहाने मार के गई थी तेरे घर। यार तू टेंशन मत दे प्लीज, मम्मी को पता तो नहीं चल गया ना कि मैं तेरे घर पे नहीं थी? देख अभी तो कुछ पता नहीं चला है, मैंने किसी ना किसी तरह बात संभाल ली थी और आंटी को कुछ पता चलने दिया नहीं, अब ये सीन चल क्या रहा है मुझे सब साफ साफ बता दे। चलो चलो बंदरियाओं बातें बहन। वाह पहले तो पढ़ो नहीं फिर एग्जाम में फेल होने के डर से सोच सोच के रोते रहो क्लासरूम में। अभी चुप हो जाओ, तुझसे क्लास के बाद बात करती हूँ। साले नालायक कहीं के, अब कल एग्जाम है इंग्लिश का, अच्छे से समझ लो। ये आवाज कहाँ से आ रही है? ऐश्वर्या अभी कल के एग्जाम में फेल हुई है, अभी भी शर्म नहीं आती तुझे? सर अब फेल हो ही गई हूँ तो घर वाले शादी करवा देंगे और शादी के बाद जो काम होगा उसकी तैयारी कर रही हूँ। गेट आउट, बाहर निकलो मेरी क्लास से। तेरी क्लास में बैठना भी कौन चाहता है बुढ़े? अरे कहाँ जा रहे हो तुम दोनों? शादी करने। व्हाट द फक। चलो जो बच्चे हैं घर में खुद से पढ़ना। अब चुपचाप सब उगल दे, क्या छुपा रही है मुझसे? यार यहाँ नहीं, इधर किसी ने देख लिया तो मम्मी तक पहुंच जाएगी बात। ओके बाहर चल। चल अब बता क्या बात है, क्या छुपा रही है मुझसे? यार तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैं कुछ नहीं छुपाना चाहती थी तुमसे पर मैं क्या करूँ, मुझे उन कमीनों ने ब्लैकमेल किया था। कौन कमीने, किसकी बात कर रही है तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तेरे भैया अमन और उसका कमीना फ्रेंड रेहान। व्हाट, क्या किया उन्होंने कुछ बता तो।
वो दोनों रोज मुझे शाम को मिलिट्री के पुल के नीचे बुला के गंदा काम करते हैं। क्या बकवास कर रही है तू? बकवास नहीं कर रही, सच कह रही हूँ। जिस दिन तो संडे को शहर से बाहर गई थी तब तेरा फोन घर पर रह गया था, तो मैंने तुझे फोन किए थे। ओह माय गॉड, इतना गिर गए भैया, मैं सोच भी नहीं सकती थी। तू ही बता मेरे फोटोस वीडियोस उसके पास, मैं कैसे तुझे ये सब चीजें बताती। क्या उन्होंने तुझे आज भी बुलाया है? हाँ, पर मैंने अब सोच लिया है मैं कहीं नहीं जाऊंगी, उन्हें जो करना है करते रहे, मैं तो वैसे भी बर्बाद हो चुकी हूँ। नहीं मुस्कान, तू आज भी जाएगी। व्हाट, तू मेरी दोस्त है या दुश्मन? तू मुझे वहां पे जाने के लिए बोल रही है? देख मुझे अब सब पता चल गया है, मेरे कहने पे आज आज तू और जाएगी उनके पास। मगर क्यों, मुझे नहीं जाना वहाँ। देख अगर तू मुझे ये सब नहीं बता दी तो भी तू जाती ना आज वहाँ। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा कि तू मेरी बेस्ट फ्रेंड होके मुझे उन कमीनों के पास जाने का कह रही है। तू जा बस, बाकी का काम मुझ पे छोड़ दे। चल टैक्सी आ गई, याद रहे जो कहा है। बाय बाय। ये लीजिए भैया। हराम के पिल्ले, दरवाजा खोले उठ के। खोल रहा हूं पिताजी, सुन लिया। बेड से उठने में टाइम तो लगता है ना। आइए महारानी जी। हम तो आ गए पर आपके जाने का टाइम हो गया अब इस घर से। क्या मतलब? अरे मेरा मतलब था कि आप रिहान के घर जाने वाले होंगे ना वो। ओ अच्छा, नहीं अभी नहीं, वो तो 4 बजे जाऊंगा। क्या बात है, आजकल आप रोज ही जाते हैं उसके घर। हाँ बस ऐसे ही, यहाँ बोर हो जाता हूँ तो उसके पास जाके थोड़ा टाइम पास हो जाता है। सही कहा। पापा मुझे आपसे बात करनी है। नहीं अभी कुछ नहीं, अभी मैं खाना बना रहा हूँ, फिर नहीं खाना लेट हो जाता है। पापा बहुत जरूरी बात है। बाद में अभी कुछ नहीं। बाहर में जाइए। भैया कुछ तो शर्म कीजिए, रोज यहाँ मुंह उठा के बैठ जाते हो, पता भी है मुझे स्कूल से आके कपड़े बदलने होते हैं। अरे तो शर्म क्या, मैं चला जाता हूँ ना यहाँ से। बेशरम कहीं के। पापा खाना लगा दीजिए, मैं थोड़ी कमर सीधी कर लेती हूँ। हाँ हाँ बस लाया। चलो भाई हम भी थोड़ी कमर सीधी कर लेते हैं। अब तो तेरे साथ लेटने में भी डर लगता है मुझे कमीने। क्या जोर से बोल, कुछ सुनाई नहीं दिया। कुछ नहीं मैं बोल रही हूँ, तुम ही लेट लो यहाँ। ठीक है भाई, जैसी तेरी मर्जी। लो भी खाना खाओ, आज बहुत दिन बाद फैमिली के साथ बैठ के खाना खाने का मौका मिला है। हाँ पापा, फिर पता नहीं हम तीनों को दोबारा एक साथ खाने का मौका मिले ना मिले। अरे ऐसे नहीं बोलते पागल, ये तो जब भी मुँह खोलती है ना गंदी बोलती है। मैं तो सिर्फ गंदा बोलती हूँ भैया, पर आप तो गंदा करते हैं। चलो चलो पैंचोर, लड़ाई बंद करो, खाना खाओ। अब मैं थोड़ा आराम कर लूं, बिल्कुल आवाज नहीं आनी चाहिए तुम्हारी। आ जा यहाँ, तू भी रेस्ट कर ले, थोड़ी देर स्कूल से थक के आई होगी। नहीं जी मैं यहीं ठीक हूँ। चार बज गए यार, जल्दी से जाता हूँ कहीं देर ना हो जाए। हो गया टाइम जाने का। हाँ थोड़ा घूम फिर आऊँ। चलिए पापा मैं आया जरा घूम फिर के। आना क्यों है, वहाँ पे रह ले हो रियान के घर पे, जब टाइम मिले आ जाइयो मिलने घर वालों से। ओके ये भी ठीक है वैसे। पापा मुझे आपसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। हाँ बोल। आ जा भाई जल्दी जल्दी चल, आज फुल मूड बना हुआ है। सही जुगाड़ हो गया वैसे अपना, फ्री फंड का, जिंदगी के फुल मजे, लड़की वड़की पटाने की टेंशन ही नहीं। हाँ भाई ऐस की जिंदगी चल रही है, हाथों को भी आराम मिल गया है।
ओए होए, आज तो लाल परी बन के आई है, मजा आएगा। वाह, कल एक बार बोलते ही आज टाइम से पहले ही आके खड़ी है। वैसे इतने दिनों में आज पहली बार कमाल की बन के आई हूँ, असली मजा तो आ जाएगा। सही कहा, असली मजा तो आ जाएगा। तो चले अब कर ले फटाफट जो करने आए हैं। वाह, समझदार हो गई यार ये तो बहुत। ओह शिट, पुलिस यहाँ। हैंड्स अप, भागने की सोचना भी मत, नहीं तो गोली चलाने में जरा भी देर नहीं करूंगा मैं। बहन चौदह अब यही दिन देखने रह गए थे, राम के पिल्ले के बेटे जहाँ और यह तेरी मीटिंग, नंगा हो गए पुल के नीचे। नहीं नहीं पापा, जैसा आप सोच रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है पापा। राम ज्यादा अब सोचने को रही क्या गया, नंगे खड़े हो तुम और बच्ची तुमने जबरदस्ती पकड़ी है। नहीं नहीं अंकल, वो तो बस हम इसे एग्जाम के लिए पढ़ाने आए थे। कुत्ते के बच्चे, पुल के नीचे कौन सी पढ़ाइयाँ हो रही हैं? इनकी एग्जाम की तैयारी तो मैं करवाऊंगा इन्हें हवालात में। वो तो मुझे पूजा ने तेरे जाने से बात बताया, नहीं तो मुझे कहाँ पता चलता, मैंने ऐसी गंदी औलाद पैदा की हुई है। नहीं नहीं पापा प्लीज हमें बचा लो, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई पापा। हाँ अंकल प्लीज हमें बचा लो, मैं आपके पैर पकड़ता हूँ। इंस्पेक्टर साहब लेके जाइए इन दोनों नंगों को मेरे सामने से। चल हवलदार, बिठा दे इन दोनों की इनकी डोली में, आज इनकी बारात मैं निकालूंगा। कपड़े तो पहनने दो। खबरदार, कपड़ों को हाथ भी लगाया तो तुम्हारी बारात नंगी ही निकालूंगा पूरे इरेंगल में। सर मैं तो इसका दोस्त हूँ, मैंने तो कुछ नहीं किया, जो क्या इसने किया मुझे जाने दो, मैं तो घर से दूध लेने निकला था। सर ये झूठ बोल रहा है, इसी ने मुझसे सब करवाया था, इसी ने कहा था मुझे सब करने के लिए। चिंता मत करो, कौन झूठा है और कौन सच्चा वो तो हम पता लगा ही लेंगे, प्रसाद दोनों का मिलेगा वो भी बराबर। हवलदार लेके गाड़ी में बिठा इन्हें। चलो सारो सीधा गाड़ी में, ये तो कुत्ता बना के लेके जाऊंगा। छोड़ दो उन्हें साहब, मुझे घर जाना है। बहुत अच्छा काम किया सेठी साहब आपने, जो इनकी खबर दी हमें, नहीं तो अपने बच्चों को लोग बचाते हैं अक्सर गलत काम करने के बाद भी। वो तो मेरी लड़की ने बताया इन दोनों के बारे में, मैं तो सीधा आपके पास भागता चलाया। चलिए आ गया काम, मुझ पर छोड़ दीजिए, इनकी सेवा मैं थाने जाके अच्छे से करता हूँ, आप लोग भी जाइए घर। इंस्पेक्टर साहब रुकिए। जी बोलिए। इंस्पेक्टर साहब इस कमीने को ऐसे सबक नहीं मिलेगा। क्या मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। इसने जो इस बिचारी के साथ किया वही काम इसकी खुद की बहन के साथ होगा तब इसे पता चलेगा। लीजिए साहब आज इसकी आंखों के सामने कीजिए आप सब कुछ। बहन चो जे सब चल क्या रहा है, तुझे ज्यादा गर्मी चढ़ी है, बेडुकेंड हो गया था ना अच्छे से, तो जे सब करना बाकी था। चल साली तेरी अभी गुप्ता जी के बेटे से शादी करवाता हूँ, बाप सामने खड़ा है, पुलिस वाला सामने खड़ा है, तेरे को कपड़े उतारते शर्म नहीं आ रही? चल साली तेरा घर पे मुंडल करूं। नहीं पापा, पापा सॉरी, पापा सॉरी, आगे से नहीं करूंगी। साली गंदी फैमिली। छोड़ दो उन्हें साहब, मुझे घर जाना है।